नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साल 2018 से पहले एक दौर ऐसा आया जब मालदीव चीनी चाटुकार के रूप में ख्याति बटोर रहा था। राष्ट्रपति अब्दुल यामीन पूरी तरह चीनी में हो चुके थे, जबकि लक्षद्वीप समूह से मात्र 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित मालदीव की दूरी कई गुना बढ़ गई थी। मगर मोदी सरकार की कूटनीति ने न सिर्फ उसे चीन के बहुपास से निकाला बल्कि भारत का करीबी भी बना दिया। यह ऐसी कूटनीति का नतीजा है कि कल जब OIC की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, मालदीव एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। यानी मालदीव ने साफ कर दिया है कि OIC का भारत के खिलाफ कोई भी बयान और फैसला किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम को ऐसी आशा कदापि नहीं होगी, पर मालदीव ने मदरसा मुल्क को जो आईना दिखाया, उसने मालदीव को भारत की ओर नजदीक ला खड़ा किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने अपने एजेंडे के तहत भारत में कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया के आरोप लगाए। पाक का मकसद इसके द्वारा दुनिया में भारत को बदनाम करना था। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिलमिजा हुसैन ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 14.2% मुस्लिमों की दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी रहती है। सोशल मीडिया पर चल रहे प्रोपेगेंडा को 130 करोड़ लोगों की भावनाएं नहीं समझा जा सकता है। मालदीव के इस जवाब के साथ ही पाकिस्तान की हवा निकल गई। यानी कपास के गोदाम में रजाई लेकर जाने वाली मदरसा कौम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह पाले के पिटे हुए मुल्ला है। कमाल की बात यह है कि इस बार इनके पिछवाड़े पर नजर का टीका लगाने वाला सुन्नी मुस्लिम मुल्क है। मुनीर अकरम पाक मदरसे का वही मुल्ला है जिसे मलिया लोधी के स्थान पर UN में लाया गया है। साल 2002 से 2008 तक अकरम पहले भी UN में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने पूर्व कार्यकाल में उन्हें भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने का श्रेय जाता है, मगर इस बार मोदी कूटनीति के आगे उनके सारे दांव उल्टे पड़ गए हैं। हालत यह है कि दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि OIC की वर्चुअल मीटिंग में भी मुनीर अकरम ने पाकिस्तान का भीख का खाली कटोरा खनका दिया। उसने अमीर इस्लामी देशों से पाकिस्तान को भीख देने की गुहार लगाई, जिसके बाद सवाल उठे कि पाकिस्तान की जंग कोरोना के खिलाफ है या वह भारत को लेकर ज्यादा चिंतित है। वैसे बहुत से इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वे इस मदरसा मुल्क के मुकाबले भारत को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। पर मामला यहां तक नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट पीओके को लेकर आ खड़ा हुआ है। भारत ने जिस तरह इस इलाके पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उसने पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ा दी है। उसकी बड़ी मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। OIC में पाकिस्तान ने यही चाल चली थी, मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2000 के दशक तक OIC में पाकिस्तान का सिक्का चलता था, तब इस मंच पर वही बोला जाता था जो पाकिस्तान चाहता था, मगर आज की घड़ी यहां भारत के शुभचिंतक देशों की भरमार है। बड़ी बात यह है कि अब इस मंच पर कश्मीर जैसे मुद्दे पहले की तरह आम बात नहीं है। अगर मौखिक रूप से उनका जिक्र होता भी है तो खुद इस्लामी देश ही उन्हें हाशिए पर डाल देते हैं। कल जिस तरह मालदीव ने भारत के लिए पूरी ताकत से आवाज बुलंद की, उसने पाकिस्तान को ऐसी में उसकी औकात बता दी है। यानी पीओके को बचाने के लिए पाक ने जिस इस्लामोफोबिया को ढाल बनाने की कोशिश की थी, वह एक ही झटके में चूर हो गई। इसके बाद पाकिस्तान को किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच से समर्थन की उम्मीद नहीं रही है। इमरान लोंडे के पास अब ले देकर ट्विटर बचा है, जिस पर चढ़कर वे तीरंदाजी कर सकते हैं, जो कि आजकल कर भी रहे हैं। मोदी की कूटनीति के शिकंजे में पाकिस्तान गिरता जा रहा है। भारत ने उसको OIC जैसे मंच पर अलग थलग करके बड़ी जीत हासिल की है। खास बात यह है कि भारत के बचाव में आए मालदीव के बाद पाकिस्तान ने भारत को लेकर दूसरा बयान नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि अब इस्लामिक सहयोग संगठन में भी पाक का पतन शुरू हो गया है। यानी भविष्य में भारत पीओके पर अगर कोई एक्शन लेता है तो इस्लामिक मुल्कों से पाक के पक्ष में आवाज शायद नहीं उठेगी। अगर कोई आवाज उठती है तो उसे चुप कराने वाले भी भारत के हितैषी वहां पर मौजूद हैं। मोदी सरकार की यह कूटनीति पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए लाजवाब है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।